मुझे नहीं पता था कि आप इतना अच्छा गाना गाते हो पा। पापा परी को ठीक करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। तब तक ये हीम नील परी की बॉडी को सेफ रखेगी। हम सब कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं, बैठा रहे। बेटा पिया कैसी है? सो रही है पापा। पिछले बहुत दिनों से एक मिनट भी नहीं सोई ना। बस नील हीम के पास बैठे बैठे परी को देखती रहती है। इसीलिए मैंने कल उसे नींद की गोली देकर सुला दिया था। अभी तक उठी नहीं है। अच्छा क्या? अरे मेरे बच्चे, मुझे पता था मेरी परी कहीं नहीं जाएगी। मुझे पता था मेरी परी कहीं नहीं जाएगी। कम विद मी मामा। चलो मामा, ये देखो। मामा ये देखो मेरे पास क्या है। परी बेटा, ये परी, परी, परी। पिया, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तुमने उसे देखा? इसे? परी को? वो अभी अभी यही थी। तुमने देखा उसे? नहीं भैया, मैंने परी को नहीं देखा। ब्रेकफास्ट कर लो। परी यहाँ आई थी आज और मुझे घर के पास लेकर गई। चाय चूल्हा था,
बहुत खुश लग रही थी परी। मैंने कहा था ना हमारी परी यही थी। पिया ब्रेकफास्ट कर लो। अंज तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? तुम्हें लग रहा होगा मेरा कोई वहम है या मैं कुछ इमेजिन कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेरा कोई वहम या इमेजिनेशन नहीं है। सच में परी सच में यहाँ आई थी और मैंने उसे देखा था। वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस घर के पास लेकर गई जहाँ झूला था। सच में मेरा विश्वास करो अंश, परी मैं अभी अभी परी से मिली हूँ, हमारी बेटी से मिली हूँ। मेरा विश्वास करो अंश। ये देखो ये सीशल, ये वही सीशल है जो परी ने अभी मुझे दिया था। मैं कह रही हूँ ना परी यहाँ आई थी, ये वही सीशल है। इसका मतलब ये कोई साइन है, परी हमसे कुछ कहना चाहती है। अंज अंज तू मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? परी सच में यहाँ आई थी। वरना सोचो ना, मैं तो सो रही थी, मेरे पास ये सीशल कहाँ से आता? अंश तुम कहना क्या चाहते हो? चलो रेस्ट करो। नहीं करना मुझे रेस्ट। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ, झूठी कहानियां बना रही हूँ? अंश मैं ये सब ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, परी सच में यहाँ आई थी, मैंने उसे महसूस किया था अपने पास। वैदिश्री फोन में क्या देख रही हो? परी ने उसने जो फोटोज खींची थी। मैं हूँ या ना हूँ, बट मेरी फैमिली पूरी है जिनसे मैं गंगोर प्यार करती हूँ। देखो ना, फैमिली फोटो खींचना चाहती थी, फैमिली फोटो के साथ साथ फैमिली भी अधूरी रह गई हमारी। काश हम उस दिन कुछ कर पाते और इस अनहोनी को टाल पाते। अजीब बात है, ये क्या है? मेरे कमरे की ये हालत किसने की है? किसकी हिम्मत हुई मेरे कमरे में आने की? सर्प, प्राण प्याला, शुक्र है प्राण प्याला यही है। आप लोग सही कह रहे हैं, परी को लगने से पहले वो त्रिकोण धातु तीर टूट चुका था। लेकिन इसका क्या मतलब है? त्रिकोण धातु के टिप का टूटना मतलब उसके एक कोण का टूटना। That means त्रिकोण धातु एक तीर रहा ही नहीं और ना ही उतना पावरफुल और फेटल रहा। एक सेकंड साहब, त्रिकोण धातु तीर परी को मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन अगर त्रिकोण धातु तीर का त्रिकोण ही नहीं रहा तो इसका मतलब है कि वह परी को मार ही नहीं सकता था। लेकिन पापा आपने ही तो कहा था कि परी जा चुकी है, उसकी जीवन शक्ति खत्म हो चुकी है,
यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही अंश। अगर त्रिकोण धातु तीर परी को मार ही नहीं सकता था तो फिर परी की जीवन शक्ति कहां जा सकती है? मोना भी उसी वक्त वहां आई थी।